मैं जा रहा हूँ कल ही भाई। ऐसे ऐसा बंदे आ रहे हैं, आशीष भाई हैं, इर्तुजा भाई हैं, आप लोग भी आ रहे हैं। एंजॉय हो गया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ कल्ली और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारी तैयारी हो रही हैं और ये लोग भी मतलब सारे हमारे ऑफिस वाले हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी हम लोग ऑफिस से निकल रहे हैं और तकरीबन रात के बज रहे हैं 1:15। तो ये कि हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, आप देख लें पीछे क्या क्या हो रहा है। ये देखें पूरी गाड़ी वाड़ी जो है वो तैयार हो रही है, उसके ऊपर सारा सामान वगैरह रखा जा रहा है और ये सारी चीज़ें। तो गाइस हमारे साथ रहेगा, एंजॉय कीजिएगा। भाई ये देखें, ये बिलाल भाई हैं जिन्होंने हमें ऑर्गेनाइज किया सारा ये पूरा इवेंट, और ये है राशिद भाई, इनका नाम लेना मुझे बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ मैं। सही हाथ हिला दे भाई, इमरान खान ने हाथ हिला रहे बोले। गाइस मैं चलने वाला हूँ गाड़ी के अंदर, ये है गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार पाकिस्तानी बड़ी गहरा बन गए हैं यार, देखो गाड़ी को भी दुपट्टा उड़ा के रखते हैं। वाह वाह क्या बात है। गाइस हम लोग जा रहे हैं इस वक्त पिकनिक पे, रोड पूरा खाली है, रात के बज रहे हैं तकरीबन 2 और गाड़ी जा रही है धूम धूम धूम। ये देखो गाइस ये जो गाय है भाग गई है, वाह ये रही है गाय भाग गई, गाय ओए 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 गाय भाग गई। अरे तो गाय यार। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ठट्टा पे। तो एक्चुअली सामने हमारे मकली का कब्रिस्तान है जहाँ पे तकरीबन 3,000 से 4,000 साल पुराने कपड़े वगैरह मौजूद हैं। तो हम लोग जा रहे थे कल्ली की तरफ, मगर ये के बीच में इन लोगों ने कहा कि स्टे वगैरह मतलब थोड़ा सा कर लें, पानी वानी पी लें, जिसको वॉशरूम जाना है वो वहाँ चले आए, और कुछ लोग मज़ार पे भी हाजिरी वगैरह देने के लिए गए। ये देख लें आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी चादरें वगैरह बिक रही हैं जो कि मतलब मज़ार के लिए। तो ये कि मैं तो अभी फिलहाल बाहर खड़ा हूँ और ये कि एंजॉय कर रहा हूँ आप लोग के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा ब्लॉग देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। भाई देखें गाइस मेरे साथ मौजूद हैं इर्तुजा भाई, मैं तो इनसे पूछूंगा इनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। इर्तुजा भाई क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है अब यहाँ पे आए हुए? सुकून मिल रहा है भाई, सुकून मिल रहा है भाई। देखें रात के 3 बजे भाई को सुकून मिल रहा है, और सुकून मिल रहा है बस सिर्फ सुकून ही मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा, बस बोल रहे ये इनफ है। गाइस अब मेरे साथ मौजूद है हमारे पूरे ऑफिस का सबसे फंटल लड़का, जो कि पहले कभी था लड़का अब हो गया आदमी क्योंकि इसकी हो गई शादी। तो यार कैसा मतलब आपको लग रहा है आज पिकनिक पे आप आए, कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को हमारे? मतलब अच्छा लग रहा है, अपने डिपार्टमेंट के एंजॉय कर रहे हैं अभी तो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या होता है। हाँ ये बात। यार गाइस यहाँ पे देखें होटल वगैरह भी कुछ मौजूद हैं, जैसे कि अभी आपने देखा चादर वगैरह भी बिक रही थी यहाँ पे, सेल हो रही थी, इस तरीके से कुछ होटल वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे। खैर बंदे तो इस वक्त कोई भी नहीं है क्योंकि एक्चुअली बज रहे हैं रात के 3:30, तो यहाँ पे खैर बंदे तो कुछ भी नहीं है। हाँ 3 बज रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से एक व्यू है जो कि सीधा जा रहा है मकली के कब्रिस्तान की तरफ। इस तरफ देखें कुछ कब्रें भी मौजूद हैं, बट ये कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट ये कि मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। सबसे मतलब अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो माहौल है ना, मौसम मतलब जो हवा है बहुत अच्छी है, बहुत ठंडी है, और मतलब कराची के अंदर ऐसा मौसम मतलब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये रात के सिर्फ इस पहर ही मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आप लोग भी देख के बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। हाँ जी गाइस, तो फाइनली हम लोग जिस पॉइंट के लिए निकले थे अपने घर से, हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और ये हमारे पास पीछे गेट है, राशिद भाई हैं, इर्तदा भाई हैं, तो हम लोग सारे लोग अंदर मौजूद हैं और हम जाने वाले हैं इस गेट से अंदर। आ जाए भाई राशिद भाई, चलें चलें चलें। और ये है मतलब भाई हमारे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त, तो अब्बू आप इन्हें देखिएगा, इन्होंने आपको सलाम करवाया। तो गाइस अब मैं आ रहा हूँ इसके अंदर और मेरे साथ हैं ये राशिद भाई हैं, इर्तदा भाई हैं, और इस तरीके से इतने सारे बंदे पीछे बैठे हैं, ये हम लोग हर्ड है। ये फैजान भाई हैं, ये फैजान भाई, फैजान भाई हाथ हिला दें, बिल्कुल हिला नहीं जा रहा है, ये भी है, दो दो फैजान एक ही वीडियो में। यार ये हर्ड इतने सारे बंदे यहाँ पे बैठे हुए, और इसके साथ साथ वो आगे ये देखें ये भाई क्या हो रहा है। इब्राहिम भाई हाथ हिला दें इसमें वीडियो में सारे, ये सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और ये है अनवर भाई, ये हमारे ना पुराने जान पहचान वाले। अच्छा अच्छा, और इसी तरीके से आप लोग देखें रिजवान भाई, ये रिजवान भाई सो रहे हैं, रिजवान भाई हाथ हिला दे।
और ये तमूर इसने पहन लिया चड्डा। भाई यहाँ पे खाना वाना बन रहा है यार, नाश्ते में क्या बॉस? नाश्ते में क्या? हलवा पूरी है, वाह, मुर्स छोले के साथ। ये देखें गाइस, यहाँ पे कुछ बन रहा है और ये हमारे पास पेड़े वेड़े बन रहे हैं हलवा पूरी के। हाँ बॉस, और ये देखें, ये दो बंदे बैठे हुए हैं ऊपर, ये बिलाल भाई है और ये चुम्मी चाचा है। अभी मैं जा रहा हूँ इनके पास ऊपर। तो गाइस चुम्मी चाचा जो है वो ऊपर बैठे हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ ऊपर। आ जा आ जा, आए चले राशिद भाई, चले चले चले। ये हम हट के अंदर आए और खैर फिलहाल यहाँ पे बहुत अंधेरा है क्योंकि जनरेटर में अभी तक डीजल हमने डाला नहीं है। चलो 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 चलो, शाओ 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 शाओ, चलो 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 चलो। ये हम आ गए हट पे ऊपर, और ये हमें मिले चुम्बी चाचा। चुम्बी चाचा क्या हाल है आपके? सिगरेट निकाल। अरे अरे सबर तो करें, वीडियो बन जाओ उसके बाद। बिलाल भाई कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना भाई। ये वो बंदा है जिसने ये पूरी पिकनिक ऑर्गेनाइज की है, और ये हमारे पास मतलब सेकंड बंदे का नाम है राशिद भाई। तो गाइज यहाँ का आप जरा व्यू चेक करें, बहुत अच्छा व्यू है यार। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। सुबह सुबह का मंजर, फुल ग्रीनरी। आप लोग ज़रा सिर्फ चेक करो यार, ये देखो, ये हमारी पूरी हर्ट है गाइस, और ये हमारी छत है। जी भाई, जी जी। अरे चचा सिर्फ एक मिनट रुके, आपको सिगरेट विगरेट सब कुछ मिल रही है। एक काम करें आप, मेरा ये बैग पकड़े। तो गाइस फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि सुबह सुबह के इस मंजर में मैं जाऊं सबसे पहले पानी के अंदर, मतलब अंदर नहीं, वहां का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊं। तो ये जो बंदे हैं ये कुछ जा रहे हैं ऑलरेडी, और ये चढ़ रहे हैं इस छोटी मोटी माउंटेन पे। एक्चुअली ये कुछ पत्थर वगैरह है। हाँ भाई, भाई चढ़ जाएंगे आप लोग? वैसे आप लोग चढ़ने में तो माहिर है। चढ़ जाएंगे ना, चले फिर, चढ़ जाए, चढ़ जाए, चढ़ जाए यार। गाइस बहुत ज्यादा ढलान है, मैं बड़े ध्यान से यहाँ से चढ़ना चाह रहा हूँ। ये देखे गाइस, ये इतनी ज्यादा ढलान थी और ये हमारा हट है, और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। चले भाई हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या होता है। ये सामने बिल्कुल पानी है और ये और रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। ये देखें, ये कुछ और चीज़ें वगैरह हैं, देख लें, रिजॉर्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे, हट्स हैं ये कुछ। और ये देखें वाटर, ये है एक्चुअली कैंजर झील, और ये लोग जा रहे हैं आगे। तो गाइस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे सुबह सुबह के मंजर को देख के। तो गाइस मैं जा रहा हूँ पानी के करीब, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये ट्यूब वगैरह कुछ मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पे ट्यूब वगैरह भी बिक रहे हैं, मतलब ये रेंट पर हैं एक्चुअली, बिक तो खैर नहीं रहे इस तरीके से। यहाँ पे बहुत सारी समझ लीजिए कि टेंट वगैरह लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे आके इन्जॉय कर रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पे ये है कि ट्यूब वगैरह भी हम रेंट पे लेंगे, जो कि हम मतलब पानी में लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके फोटोज बनाएंगे, तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और पानी बिल्कुल करीब है, आप लोग देख सकते हैं। सही, तो मैं जा रहा हूँ सीधा पानी की तरफ, पानी में जाके आपको दिखाऊंगा। मतलब जाऊँगा नहीं, पहले नाश्ता वास्ता करेंगे उसके बाद जाएंगे, लेकिन बिल्कुल पानी के करीब पहुँच चुका हूँ। आप लोग सिर्फ देखें कि यहाँ का व्यू कैसा है। ये देखें राशिद भाई इंजॉय कर रहे हैं फुल भाई, और नदीम भाई भी इनके साथ इंजॉय कर रहे हैं यार। यार मजा आ रहा है आप लोगों को? वाओ गाइस ये देखें, ये यहाँ से पानी शुरू हो चुका है और ये मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर। ये भाई, ये सारे बंदे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। ये भाई इंजॉय होना चाहिए, हाथ ला दे। ये यार गाइस सुबह सुबह जब मैं पानी में आया हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और सामने मुझे दिख रही है कुछ बोट्स वगैरह। ये देखें, ये कुछ बोर्ड्स वगैरह मौजूद हैं जिसपे अगर बंदे बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और पीछे वाले मुझे बोल रहे यार हमारा ब्लॉग बनाओ, तो भाई पीछे वालों का ब्लॉग बिल्कुल हाजिर है। और ये मेरे साथ सारे बंदे हैं, ये नहाने के चक्कर में, और मैं अपना ब्लॉग बनाने के चक्कर में, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद भी इंजॉय करूँ, आप लोग सब मिल के इंजॉय करें। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नाश्ता करना बचा है, पानी में नहाना बचा है, खाना खाना बचा है, राशिद भाई को इंजॉय कराना बचा है। मतलब पानी के अंदर अच्छा वाला एंजॉय, अच्छा वाला एंजॉय, और आप लोग तो कर ही रहे एंजॉय। तो
गाइस फाइनली हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद है जो कि हमारे ऑफिस की जान है और उनका नाम है हबीब भाई। ये टिकटॉक के किंग है, इनको बहुत ज्यादा शौक है कि ये टिकटॉक वगैरह बनाए और हम लोगों को बहुत ज्यादा शो कराए। तो हबीब भाई कुछ आप अपना टैलेंट हमें दिखाना चाहेंगे इस वीडियो में, हमें और हमारे व्यूअर्स को, मगर ऐसा टैलेंट दिखाएगा जो दिखाने के काबिल हो ताकि लोग खुश हो जाए ताकि लोग खुश हो जाए। तो गाइस इस तरीके की मस्ती को और देखने के लिए मजीद इस वीडियो को देखते रहिए। गाइस फिलहाल तकरीबन बज रहे हैं सुबह के 6 और हम जा रहे हैं खाना खाने, सॉरी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए क्योंकि यार भूख भी लगी है। हमें लग रहा है कि ये नाश्ता नहीं है बल्कि खाना है। तो मैं और इर्तज़ा हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पानी से और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। आई होप कि जो वो हलवा पूरी बना रहा था वो उसने तकरीबन कम्प्लीट कर ली होगी। वैसे उसने कहा था कि हम वो 7 बजे तक मतलब कम्प्लीट कर लेगा, लेकिन हमारा ख्याल है कि शायद उसने कर लिया। तो हम जाएंगे वहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद फोड़म फाड़ी हलवा पूरी की, उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और फिर तबीयत से नाए। भाई देखें यहाँ पे पत्थर इतने सारे और सारे बंदे जा रहे हैं नाश्ते के लिए और इन लोगों से किसी से भी उतरा नहीं जा रहा। अबे तबूर उतर यार, नदीम भाई तोन तो अपनी अंदर कर ले, सांस ले। अबे हबीब भाई ओ ध्यान से, हबीब भाई पट्टी वाले। नहीं भाई नहीं नहीं भाई नहीं, हिम्मत नहीं है लोग। भाई ऐसे सब बंदे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। यार गाइस मैं अंदर आया, मैंने देखा यार यहाँ पे नाश्ता बनने में तो अभी मेरे नजदीक कम से कम आधे घंटे से ऊपर का टाइम बाकी है, तो 1 घंटा बल्कि तक करीबन। तो मैंने कहा इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने हट के अंदर और वहाँ के आपको रूम्स वगैरह दिखाते हैं। तो आइए चलिए हमारे। ये हमारी हट है और इसके अंदर हम जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखें सबसे पहले तो ये किचन है। किचन में ये कि अपना सामान वगैरह जो भी आप रखो उसके साथ आप कुछ कर सकते हो। ये पता नहीं रूम है, इसमें ताला लगा हुआ है। खैर यहाँ पे खड़े हो गए, आप अपना जो भी इंजॉयमेंट का सामान रखना है खाने पीने का वो आप कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ये पता नहीं कौन सा डोर है और ये भी कुछ है, क्या चीज़ है भैया। ये देखें यहाँ के वॉशरूम वगैरह आप देख लें, खतरनाक लेकिन बड़े हैं यार। ये इसी तरीके से एक आध रूम में हाल से और है। और इसके साथ साथ हम आएंगे रिजा भाई, ये वाला आप गेट खोल के दिखाइएगा ज़रा। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए और ये यहाँ से अगर हम गेट खोलेंगे तो लॉक है। अच्छा वैसे ये पूरा रूम है और इसमें एक वॉशरूम भी है, मैं भी गया था सुबह। ये भी इसी तरीके से एक रूम है, लॉक है ये भी, ये इसका लॉक ही ख़राब है। अब ये लास्ट रूम हमारे पास है, ये फ्रिज मौजूद है। हाँ ये लास्ट रूम है और हाँ ये हमारे पास, ये हमारे पास हाँ ये देखें बेड वगैरह हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक और वॉशरूम मौजूद है, ये देखें ये पूरा वॉशरूम है। सही जी, इसी तरीके से हमारे पास ये यहाँ से अगर हम निकलेंगे तो ये एरिया, यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ सकता है। तो ये भी हमारे पास थोड़ी सी जगह मौजूद है, हम बंद कर देते हैं फिलहाल। देखिए अब बंद और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर। और इसके साथ हमारे पास ये पर्दे वगैरह हैं, ये कुछ फ्रिज वगैरह मौजूद है। फ्रिज में देखते हैं कुछ रखा है कि नहीं, यार है तो खैर यहाँ पर कुछ भी नहीं। फ्रीज़र में क्या मौजूद है, फ्रीज़र में भी खैर कुछ भी नहीं है। अपना सामान ला के अगर किसी को रखना है तो वो यहाँ पर रख सकता है। और इसके साथ साथ ये भी जगह मौजूद है, यहाँ पे भी रूम है, वॉशरूम वगैरह भी है और ये सामने भी एक रूम है। हम जा रहे हैं पीछे वाले दरवाजे से और ये हमारे पास एक रूम है, ये देख लीजिए। यहाँ पर बेड बिछे हुए हैं, काफ़ी अच्छा रूम है, डेकोरेटेड है थोड़ा सा, मतलब अच्छा व्यू है यहाँ पे। और एसी वगैरह भी लगा हुआ है लेकिन फिलहाल अभी बंद है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और रूम है, वो ये है, बिल्कुल इसी तरीके से सारे रूम वगैरह मौजूद हैं, एसी वगैरह भी लगा हुआ है, बंदे सो रहे हैं यहाँ पे आराम से इंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई सिगरेट विगरेट चल रही है। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे आई होप दैट। सही, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, आगे जाएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम है। अच्छा सारे वॉशरूम बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ये देख लें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, ग्लासेस वगैरह शीशे है और इसके पीछे भी बिल्कुल ऐसा ही बालकनी टाइप की है। ये भी व्यू बहुत अच्छा है। तो गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मज़ा आ रहा है, आप लोग भी ऐसे ही इंजॉय कर रहे होंगे। गाइस हमेशा इंजॉय करते रहेगा मेरे साथ भी और वैसे भी। यार गाइस बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो वक्त आ ही गया कि जब बज रहे हैं 7 और मतलब नाश्ता पूरा रेडी हो रहा है और बंदे सारे बैठ के खा रहे हैं। तो गाइस ये आप लोग देखें, ये चाचा जी बैठ के यहाँ से हलवा निकाल लें, ये देखें
ये हलवा वगैरह, ये पूरियां हैं, ये पूरी बन रही है, भाई लोग पूरी बना रहे हैं, ये बंदा बेल रहा है, राशिद भाई से पकड़ने हैं। राशिद भाई कैसी हैं पूरियां? यार खाई नहीं मैंने, खाई नहीं अभी खिलाने के चक्कर में। अच्छा अभी खाई नहीं है। ये हबीब भाई है भाई, हबीब भाई। और ये सारे बंदे वो हैं जो बैठ के भाई पूरी खा रहे हैं। अनवर भाई, भाई पूरी कैसी है? अच्छी है, मजे की है। नहीं नहीं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप लोग खाए। ये नदीम भाई पूरी कैसी है? अच्छी है, मजे की है। वाह यार तैमूर, पूरी कैसी है? ये देखें गाइस, ये हलवा है, ये पूरी है, और ये बंदे मंड रहे मंड रहे। अरे नदीम भाई आप तो ज्यादा मंड रहे। तो गाइस यहाँ पे सारे बंदे नाश्ता कर रहे हैं और अब मेरी बारी नाश्ता करने की। तो गाइस फाइनली अब हम लोगों की बारी है, हम लोगों ने काम वाम कराया, अब हम लोगों की बारी है कि हम लोग यहाँ पे हलवा पूरी से नाश्ता करें। पेट में मेरे बहुत ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं और बिलाल भाई मुझे देख के हंस रहे हैं इस वक्त। मजे के ना बिलाल भाई? बिल्कुल मजे के। बिलाल भाई, राशिद भाई, नसीर भाई और ये हबीब भाई, ये चारों बंदे मिलके खा रहे हैं, उनके साथ मैं भी खा रहा हूँ यार, बहुत मजे के। गाइस अभी तक हम लोगों ने सिर्फ नाश्ता किया और हम में से एक बंदा ऐसा है जो बदायूं देखने में बहुत ज्यादा बूढ़ा मालूम होता है और वो बहुत ज्यादा थक गए। तो ये देख ले, उन्होंने कमीज हमें उतार दी है, फुल बंदे से मालिश वालिश करा रहे हैं। भाई अब मालिश करने के क्या लेंगे, मतलब चार्जेस वगैरह पैसों में बताएं? क्या आपसे पैसे नहीं लेंगे? अच्छा मेरे लिए फ्री है, मेरे लिए तो हर बंदा फ्री है भाई, हर बंदा यार जितने पिकनिक में सब फ्री है, बोल हमसे करा लो। अभी थोड़ी देर में इनका नेकर भी उतारा जाएगा। बिल्कुल गाइस, तो व्लॉग को आप देखते रहे। यहाँ से लेके बंदे ये सारे बैठे हुए तमाशा देखने के लिए और ये तमाशा हो रहा है यहाँ पे। ये एक बंदे को लिटा दिया है, वो भी उल्टा, और इसकी मालिश कर रहे हैं। इसको चीनी ज्यादा चाहिए। आवाजें भी निकल रही है, आवाजें भी निकल रही है। क्या दवा भाई? ये शावर यार। गाइस फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये कप चाय मिला है और मैं दादा भाई के साथ पी रहा हूँ। और ये चाय समझ लीजिए कि इस मौसम में और इस सुबह के वक्त आफ्टर नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और जब आप तेल वाली चीज़ें वगैरह खाएं, मतलब पूरी वगैरह, उसके बाद ही आपको चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आप ज़रा देखें चाय कितनी अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता भी किया, यहाँ पे हम लोगों ने चाय भी पी और इस तरीके से हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब टाइम हो रहा है तकरीबन 8:10 है और अब हम जाने वाले पानी में। तो लिहाजा फिलहाल मतलब पानी में अब जो हम जाएंगे तो अच्छा खासा हम नहाएंगे। तो ये कि फिलहाल अभी मैं अपना मोबाइल रख के यहाँ पे हट में जा रहा हूँ, तो आप लोग के लिए फिलहाल व्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि भाई मुझे भी तो एंजॉय करना है। तो गाइस जब मैं फिर बाद में अब जाऊँगा फिर पानी में, तब आपके लिए व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन ये थोड़ी देर तक मैं खुद नहा लूँ, इन्जॉय कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोग के लिए व्लॉग बनेगा और फिर आप लोग यहीं से कंटिन्यू व्लॉग हमारा देखिएगा। यार गाइस फाइनली मैं बहुत नहाया, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तो मैंने स्पेंड किए सिर्फ पानी के अंदर। उसमें ट्यूब पर बैठा, मतलब पानी के अंदर हमने धक्के मारे एक दूसरे को और अच्छे खासे हम लोग पानी में भी गए, लेकिन ये मतलब बहुत अच्छा रहा। अब ये कि मैंने कहा कि आप लोगों ने कुछ देखा नहीं कि हम लोगों ने क्या इन्जॉय किया, तो कम से कम हम आपको वहाँ की हट्स वगैरह दिखाएं। मतलब हट्स वहाँ पर जो हैं वो इस तरीके की हैं कि आप कह सकते हैं कि तंबू वगैरह लगे हुए, तो ये है कि वो भी ज़रा मैं आप लोग को दिखा दूँ। दूसरी बात यह है कि आप लोग वहाँ पर देखें कि मैं किस तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। बाय द वे ये ज़रा सा टफ रास्ता है, तो ये मुझे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो खैर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके आपको और भी चीज़ें बताऊँगा और आप लोग देखिएगा किस तरीके से वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे पानी के अंदर है लेकिन फिर भी रश आ चुका है। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पानी तक, आप लोग देखें, और मेरे पैरों के पास बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये अच्छा खासा पानी है। और मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे जहाँ पे मेरे ये जो साथ वाले बंदे हैं वो नहा रहे हैं ट्यूब के अंदर बैठ के भी और वैसे भी, मैं वहाँ तक जा रहा हूँ और आप लोगों को फिर ब्लॉग दिखाऊंगा। देखें गाइस मुझे पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने देखा वो लोग बहुत ज़्यादा दूर खड़े हुए हैं। फिलहाल मैं अगर इस मोबाइल को वहाँ तक लेकर गया तो मेरे लिए ये भी थोड़ा सा ये के नुकसान का अंदेशा है कि मोबाइल को पानी में नहीं लगेगा, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर मगर थोड़ी देर के बाद। अभी मुझे कुछ बंदे मिले हैं जो कि खुश्की के पास बैठ के सब नज़ारे कर रहे हैं, मैं वो दिखा दूँ। उससे पहले आप ज़रा यहाँ का व्यू देखें, ये देखें बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत सारी आवाम यहाँ पर मौजूद है, लोग मतलब यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए और यार सामने बैठे हुए हैं हम लोग के वो ऑफिस वाले जिन्होंने हमें पिकनिक पे बुलाया और हम लोग सब लोग साथ में आए, तो मैं आप लोग वहाँ लेके चलता हूँ, आप भी देखेंगे। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया जहाँ पे ये लोग बंदे बैठे हुए हैं, ज़रा देख लें। ये अनवर भाई बैठे हैं, ये भाई हैं नदीम भाई, कासिम भाई। यार आप लोग मतलब पानी में नहा नहीं रहे, यहाँ पे बैठे हैं क्यों भाई, इसका रीज़न क्या है?
चले सही है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा जवाब है यार। यहाँ पे बहुत सारी बोर्ड्स वगैरह भी अवेलेबल है, आप जरा देखें मेरे पीछे बोर्ड है, ये देखें ये बोर्ड है, यहाँ पे तकरीबन 8-9 बंदे बैठते हैं और फिर इसके बाद वो जाते हैं। इसके लिए इसके अलावा बहुत सारी और भी बोर्ड्स अवेलेबल है, जैसे कि ये देखें ये बोर्ड अवेलेबल है, इसके अंदर आप बैठे हैं चप्पू से, इस कश्ती को आप चलाएं और इन्जॉय करें फुल, तो ये भी अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी किस्म की कश्तियाँ वगैरह मौजूद हैं। और मैं जा रहा था आगे की तरफ, मुझे ये चार बंदे आधे आधे पानी में मिले। ये देखें ये रहे हमारे चुम्मी चाचा, अल्लाह अल्लाह, अब ध्यान से फूल गिरिएगा, अब नसीर भाई फूल फूल गिरिएगा। और ये हमारे हबीब भाई नहाते हुए, रिजवान भाई, ये और जा रहे हैं आगे भी हम, और आगे हमें बहुत सारे बंदे मिलने वाले हैं। ये देखो तू भाई, आपको मैंने बना दिया, बनाया 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 है बनाया है जी सर, आपका भी बन रहा है ब्लॉग जी ब्लॉग बन रहा है सही। हम जा रहे हैं आगे आगे, और भी बंदे होंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो पानी है मेरे यहाँ यहाँ तक है, मतलब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मेरे यहाँ तक पानी आ रहा है, ठीक है जी। तो हम जा रहे हैं आगे और ब्लॉग हम बनाते रहेंगे। ये देखिए गाइस, ये पानी मेरे तकरीबन कोम तक आ रहा है और अच्छा खासे पानी में इस वक्त, और इस वक्त पानी मुझे खिला रहा है, और मेरे सामने कुछ बंदे ऑफिस के मौजूद हैं, उन लोग अभी मतलब ब्लॉग बनाते हैं फिट ट्यूब। ये देखें ये सारे बंदे मौजूद हैं ट्यूब वगैरह के साथ, एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। गाइस ये मेरे सामने बिलाल भाई हैं, मधु साहब हैं, और भाई हाथ बात हिला दे इसमें बिलाल भाई, ये बिल्कुल 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 यासिर अली ब्लॉग्स यूट्यूब पे जाके लिख दे आ जाएगा इंशाल्लाह, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ट्यूब व्यूब कहाँ है भाई, ट्यूब जी जी बिल्कुल। वीडियो बन रही है गाइस, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मैं यहाँ पे ट्यूब पे बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, और पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत एंजॉय हो रहा है, आप लोग भी यहाँ पे एंजॉय एंजॉय हो गया नहीं। ये देखें आप, ये यासिर भाई डूब भी चुके हैं और इनकी चप्पल भी उतर गई है, हमें सही से बचा दी गाइस। बड़ी मुश्किल से मैंने इन लोगों से ये ट्यूब छीना है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है मेरे साथ, ये दादा भाई भी एंजॉय कर रहे हैं, जो कि मेरी तकरीबन हर वीडियो में एंजॉय कर रहे हैं। इस ट्यूब के साथ एंजॉयमेंट का बहुत ज्यादा मजा है, इसका रेंट भी बहुत कम है, हमें इस बंदे ने बताया था कि वो 500 रुपए एक ट्यूब के लेगा फुल डे के, जबकि उसने हमसे लिए ओनली 200 रुपीज, ओके भाई बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग आए यहाँ से क्योंकि पैसे कम कराए, एंजॉय करें भाई, गुड हो गया यार, गुड हो गया भाई। तब मैं जा रहा हूँ सामने की तरफ, ये देखें यहाँ पे पानी जरा सा खत्म है, और मैं वहाँ पे जाके आपको जो मतलब टेंट से बनी हुई हट्स वगैरह है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को वहाँ भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है यार। गाइस मैंने यहाँ पे आपको कर दी कि बहुत सारे मनाजिर दिखाए, एक और मंजर वो ये है कि यहाँ पे कुछ हट्स वगैरह मौजूद हैं जो कि कुछ इस तरीके की हैं, मतलब ये कि तम्बू अम्बू लगे हुए हैं, वो कुछ ऐसी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके की कुछ हट्स वगैरह मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ी पट्टी है, दूर तक अगर आप देखें तो ये मौजूद है, ये बहुत दूर तक यहाँ पे लोग वगैरह मौजूद हैं और ये हट मौजूद है, तो ये है कि यहाँ पर भी लोग स्टे करते हैं, और मेरे पीछे भी बहुत ज़्यादा हट्स वगैरह मौजूद हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चल के आपको दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ पे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आप लोग भी यहाँ पे आए मगर फैमिली के साथ आए, बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें मौजूद हैं, कुछ बुरी बातें मौजूद हैं, मतलब अक्सर ये है कि जो फैमिली वाले हैं वो तो इस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं कि भाई हमें सही तरीके से यहाँ पर आना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं तो या तो मे बी के क्वेश्चन हैं या फिर पता नहीं क्या है, वो भाई मतलब कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ऐसे मतलब ड्रेसेस पहन रहे हैं जिसकी वजह से जो बॉयज़ हैं लड़के हैं आदमी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी चीज़ बुरी चीज़ है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लोग मुझे अच्छे लगे, दूसरी बात यह है कि यहाँ का पानी मुझे बहुत ज़्यादा शफाफ लगा। अब मैं चल रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास पैरों में जो पानी टकरा रहा है वो भी बिल्कुल ऐसा है कि मुझे उसके पीछे की ज़मीन नज़र आ रही है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखें सारे पत्थर वगैरह यहाँ पे मुझे बासानी दिख रहे हैं, और सामने का ये पूरा मंजर है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गाइस मैं यहाँ समझ रहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग नहाने आए हैं वो एक्चुअली मतलब इंसान ही है,
जो यहाँ पे नहाने हैं, मगर मुझे पता चला कि यहाँ पे ये डॉग भी नहाने हैं। हेलो, हाउ आर यू डूइंग भाई। ये भी यहाँ पे नहा रहा है क्योंकि दिल इसका भी है। तो भाई मतलब यार गाइस, नहाते नहाते अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगे या कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह शॉप्स भी अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए। बट ये कि यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनके वॉलेट इनके पास होते नहीं है, वो हर्ट वगैरह में ऐसा होता है, मगर ये जितनी हर्ट्स यहाँ पे आपको करीबी नज़र आ रही हैं इन लोगों के पास तो खैर अवेलेबल होंगे, तो पास आने यहाँ पे पैसे वैसे देने लें। ये भुट्टा वगैरह भी कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, तो मतलब खाने पीने का इंतजाम है यहाँ पे। गाइस हम लोग आए कोस्टर में और हमारी कोस्टर खड़ी हुई है हमारी हट के पास, लेकिन जिन लोगों की हट करीब है वो अक्सर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। जैसा कि ये भाई ने जो कोस्टर ही इतनी ज़्यादा करीब खड़ी की है कि भाई ये बिल्कुल पानी के अंदर है, और अगर कोई सही इससे डायरेक्ट पानी झील के अंदर उतर है। यार गाइस फाइनली तकरीबन मैं 20 मिनट यहाँ पे पैदल चला, मैंने वॉक की, उसके बाद सामने मुझे कुछ अलग किस्म की हट्स नजर आने लगी जो कि बनी हुई है लकड़ी से। अब ये खैर काफ़ी दूर थी, मैं इतना करीब गया नहीं, लेकिन ये आप देख लें ये यहाँ की मुख्तलिफ जो तंबू वगैरह है उससे थोड़ी सी चेंज है। ये देखें अमूमन हट्स इस तरीके की होती है यहाँ पे, और वो जो हट्स दूर हमें नज़र आ रही हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। तो खैर यहाँ पे काफ़ी मतलब एक बड़ा एरिया है जहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, और एक तरीके से यहाँ पे देखने में समंदर की नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम गूगल मैप वगैरह पे देखेंगे तो फिर हमें मालूम होगा कि यह एक्चुअली कैंसर झील है, समंदर नहीं है। खैर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा है, मैं तकरीबन 20 मिनट मैंने वॉक किया, बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे एक बहुत सुपर मतलब बहुत ज़्यादा औसम कश्ती में बैठने वाले हैं, और इसके लिए हम लोगों ने ये सारे बंदे सेलेक्ट किए हैं। गाइस आप लोगों को कैसा फील आ रहा है, आप लोग कश्ती में बैठने वाले हैं? अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। तो भाई ये जो सीट है सामने वाली, मैं इस पर बैठूँगा और इंशाल्लाह फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये कश्ती सुपर फास्ट है, आप लोग ज़रा देखिएगा, मैं पहनने वाला हूँ यहाँ पे लाइफ जैकेट, उसके बाद मैं इसमें बैठूँगा। सही यार यार। गाइस मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ, अब मुझे पहननी है यहाँ पे लाइफ जैकेट, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। यार गाइस फाइनली मैंने पहन ली है ये लाइफ जैकेट, और ये भाई जो है ये कश्ती को बस अब रवा करने वाले हैं, और आप लोग सब मिल के हाथ हिला दो पीछे से, भाई हम लोग कश्ती में जाने वाले हैं सफर पे। ये तो गाइस फाइनली हमारी कश्ती स्टार्ट हो गई है और हम लोग जा रहे हैं ये सीधा पानी में। कश्ती बंद हो गई थी, कश्ती बंद। ये 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 देखे गाइस, ये भाई बहुत मजा आ रहा है। ये देखे मजा आ रहा है।
चल मेरा भाई अबे बंदे बंदे भाई बंदो में कड़ा देना भाई कश्ती बंद हुई सारे हाथ मिला दो अबे तभी से भाई फैमिली मिलाओगे यार फैमिली मिलाओगे ये सारी मछलियां है देख ले अरे सारे डैश है भाई बोट रुक गई है पकड़ लेगा स्नैचर है ये हैकर है चलो भाई बम 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 चलो भाई चल 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 चलो 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 तो भाई ध्यान से ये मुड़ी और ये चल मेरा भाई बोर्ड का अलग ही पता ये बहुत मजा आया बहुत ज्यादा अब हम लोग जाने वाले हैं साहिल की तरफ और ये हमारा साहिल है ये भाई बहुत बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हुई इस कश्ती में बैठ गए आप लोग जब भी यहाँ पे आए इस कश्ती में जरूर बैठे जरूर सही है भाई ये भाई अब इस कश्ती को हाँ जिंदगी जिम्मेदारी तो हर बंदे खुद ही उठाएंगे 200-300 रुपए निकालो अपनी जेब से चलो भाई बहुत मजा आया यार आपके साथ बहुत एंजॉय हुआ हमारे भाई भीमड़ से इतने बंदे आएंगे आपके पास के पास सही है भाई एंजॉय हुआ बहुत ज्यादा आप लोग क्या है तो कश्ती में जरूर बैठे अब हम लोग यहाँ से उतरने वाले चलो 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 भाई एक उधर से क्या है बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हुई भाई ने माशाल्लाह बहुत तेज कश्ती चलाई बहुत ज्यादा मजा आया गाइस फाइनली हम लोग बोट में भी बैठ गए बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर लिया अब पेट में बेइंतहा चूहे दौड़ रहे हैं और कितने चूहों के पीछे कितनी बिल्लियां दौड़ ली हैं तो भूख बहुत ज़्यादा हमें लगी है लिहाजा हमारे पास यहाँ पे इंतज़ाम हो रहा है बारबेक्यू का वो भी दोपहर के बाद तो ये भाई बना रहे हैं सीख कबाब वगैरह बॉस ये क्या है सीख कबाब है चंदन कबाब है और ये क्या चीज़ है ये भाईजान सीख कबाब है ये सीख कबाब नहीं है भाई ये कबाब ही नहीं है बिहारी टिक्का है बिहारी टिक्का पूरी है सही है पार्सल कर देगा मीठे में मीठे में क्या है ये क्या चीज है भाई ये क्या है दराज क्या अलमारी भी है बिलाल भाई तो गाइस इस वक्त मौजूद है हमारे पास यहाँ पे मतलब ये विक्के विक्के और ये चंदन कबाब साथ हमारे पास मौजूद है ये पराठा ये जरा पराठे का साइज चेक करें वाह यार आपके अंदर तो टैलेंट है माशाल्लाह ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इतने सारे पराठे बनेंगे तो भाई मजा आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो भाई यहाँ पे देखें ये टिक्के विक्के सब कुछ तैयार हो चुके हैं और ये है कि ये पराठे वगैरह भी हैं यहाँ से मजीद बन रहे हैं हाँ ये राशिद भाई लेके जा रहे हैं और ये सब कुछ सर्व हो रहा है अंदर और सारे बंदे बैठे हुए हैं अंदर जो कि खाना वाना खा रहे हैं ये देख लें हाँ राशिद भाई रखें 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 ये सारे बंदे खा रहे हैं भाई खाना अभी भाई बनियान में आप खा रहे हैं खाना हाँ भाई रिजवान भाई मजे का है शो वाला है बेहतरीन है गुड हो गया वेरी गुड नदीम भाई कैसा है मजे का है बहुत अच्छा माशाल्लाह वेरी गुड मतलब अंकल मजे का है खाना कैसा है वीआईपी है हाँ भाई इमरान भाई कैसा है खाना वीआईपी है इमरान भाई
इमरान भाई सुन ले, अगर फोड़ फाड़ लिया तो अच्छा लग रहा। चले जी, तो ये चल रहा हमारा खाना। तो गाइस फाइनली काफ़ी देर के बाद जब हमने इन सबको खाना सर्व कर दिया, उसके बाद हमारा भी खाना आ गया। ये पराठे हैं, ये कबाब हैं और ये टिक्के हैं, और हम लोग बैठ के यहाँ पे इसे खाने वाले हैं। तो भाई अब हम इसे खाएंगे, सही है भाई? ये बहुत मजेगा माशाल्लाह, ये देखें। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, उसके बाद अब खाना वाना खा के फिर पानी में गए, वहाँ से आए पास, मतलब बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद ये असगर भाई बैठे चाय वाले भाई, ये बना रहे हैं वीआईपी वाली चाय, और इन्होंने इस वीआईपी वाली चाय में से मेरे लिए ये हिस्सा निकाला है। और ये असगर भाई हाथ हिला दें, ये तो भाई मैं पीने वाला हूँ चाय, और चाय पीते ही साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब यह कि वापसी का सफ़र रवा दवा है, हमने गाड़ी वाले से पूछा था, वो कह रहा था तकरीबन यहाँ से आपके ऑफिस तक का रास्ता ऑलमोस्ट 4 घंटे का है। तो अभी बज रहे हैं 5, बजने में तकरीबन 10-15 मिनट हैं। तो यहाँ से अगर हम 5 बजे भी निकले तो भाई 8 बजे तक पहुँचेंगे, अगर ट्रैफिक हमें नहीं मिला, मतलब ये कि अच्छा खासा है। फिर वहाँ से बाइक उठानी है, उसके बाद मुझे घर आना है, तो 9 तो मुझे ऐसे ही बज रहे हैं। बाय द वे ये पिकनिक बहुत ज़्यादा अच्छी रही, आप देखें कुछ गाड़ी वाड़ी में मैं बैठने जा रहा हूँ, हो सकता है डांस वांस हो, लेकिन असल में इतने बंदे की जगह ही नहीं है। तो ये हमारी गाड़ी है जो कि बिल्कुल रेडी है, और मज़ा बहुत आ रहा है यार यहाँ पे। गाइस अब मैं चढ़ने वाला हूँ अपनी गाड़ी में। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। ये गाड़ी में देखें सारे बंदे बैठे हैं, और हम बैठेंगे यहाँ पे, ये राशिद भाई के बराबर में हम बैठेंगे। ये राशिद भाई, ये लो भाई, ये है गाइस हमारा वापसी का सफर जो कि रवा दवा है, और ये सारे लोग इस पोस्टर के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ भाई गाइस, तो हम लोग की गाड़ी रुक गई है इस वक्त घरों में। एक्चुअली कुछ लोग थे, उन्होंने कहा यार हमें नमाज़ पढ़नी है, और टाइम हो रहा था तकरीबन असर का, तो उन लोगों की नमाज़ कदा हो रही थी। उन्होंने कहा यार बोल के अच्छी तरह मेरे यहाँ पे अपने मंदिर अवेलेबल हो, हम जाके नमाज़ पढ़ेंगे। हम इस रोड से आ रहे थे, ये देखें ये पूरा रोड है, हाईवे है एक्चुअली, और पीछे सनवे लगून आया था, और सामने हम लोग को ये मस्जिद दिखी है। इस मस्जिद के बराबर में रेस्टोरेंट वगैरह भी है, ये देखें कैफ़े बलोच। तो ये है, बाकी ये है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे कर रहे हैं, यानी 15-20 मिनट लोग जो टांगे वगैरह बैठे हैं, मतलब थोड़ा सा वो हो गई थी, रुक गई थी, तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, पानी वानी भी पी लेंगे, और ये मस्जिद में हम लोग नमाज भी पढ़ लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है हम लोग के लिए, और ये कि थोड़ा सा जो रेस्ट हमें मिला ये हमें बहुत अच्छा लगा। सही है यार गाइस, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, ये देखो। हाँ भाई, हमारे फैजान भाई और ये इधर आ चुके हैं, और ये हमारे तैमूर भाई, ये पानी वानी चल रहा है यहाँ पे भाई। पानी गालों पर नहीं है कि आगे तो पानी भरा था, वो भर गया खारा पानी, खारा पानी भर गया, खारा हो गया। तो आप लोगों ने पूरा हमें पैसे खर्च करने पड़े, तो ये हमें पानी परचेज करना पड़ा। ये भी होटल हम लोग जा रहे हैं चाय के लिए, चाय पीने। चलो 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 चलो, और ये अनवर भाई है वॉशरूम की तलाश में। आज 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 गाइस आज, चलो यार कुछ चाय वाय पी लेते हैं, वैसे पियेंगे तो ये मैं सर बैठूंगा यार, क्या करें। हम जा रहे हैं यहाँ पे कैफे बलोच। भाई यहाँ से आ रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे बंदे बैठे हैं इस होटल पे कैफे बलोच पे, जो कि घरों में। हाँ भाई राशिद भाई, क्या मंगा रहे हैं? 80 रुपए का एक कप है। 80 रुपए का एक कप चाय है। हाँ बॉस, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है, वेरी गुड। वाओ, हम आए एंजॉय करने के लिए। क्या बात है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। फैजान भाई सब ओके है माशाल्लाह, वेरी गुड। राशिद भाई, राशिद हीरो, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। चाय में मंगा रहे हैं आप लोग? तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे इन सारे बंदों के साथ। हम लोगों ने मतलब चाय वाय पीने का सोचा यहाँ पे, प्लान किया। 80 रुपये का एक कप है, खैर मैं तो पीऊँगा नहीं क्योंकि मैं चाय पीता नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक जूस इस तरीके की चीज़ें पसंद है, ये सब पियेंगे मैं, सर वीडियो बनाऊँगा आप। तो गाइस फाइनली आ चुकी है यहाँ पे चाय, ये देखें। वाह यार चाय तो बड़े मज़े की लग रही है, इन सब बंदों के लिए चाय आई है माशाल्लाह से। इन लोगों के माशाल्लाह ड्रेसेस वगैरह भी अच्छे हैं, उनकी सर्विस भी अच्छी है।
चाय चल रही है भाई सामने चाय। हाँ भाई चाय कहाँ है यार? चाय आप लोगों को कैसी लग रही है? राशिद भाई चाय कैसी है? देखिए यार मजेदार है। हाँ वेरी गुड। रिजवान भाई चाय कैसी है? वाह भाई ये दो बंदे बैठे हैं जिनको चाय नहीं मिली है। मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। उम्मीद पे दुनिया गायब है यार। वैसे मैं चाय वाय पीता नहीं, लेकिन यार मैंने सुना है कि ये चाय ऊटनी के दूध की है, तो इस वजह से मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ कि ये चाय कैसी होती है। इधर भी दिखा दो ऊटनी के दूध। ये देख ले भाई, ये देख ले, ये दो बंदे पी रहे हैं चाय बड़े मजे से। और इसमें क्या, ये इसकी क्या नाम है, प्रेस में डाल के प्रेस में। खैर मैं इसको पीने वाला हूँ गाइस। ये गोली भी पी रही, बहुत मजे की लग रही है, बहुत मजे की है। फिलहाल मुझे कहीं से भी महसूस हो नहीं रहा कि ये ऊटनी के दूध की है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, वैसे ही जैसे नॉर्मल होती है। मजा आ रहा है यार। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ से पी चाय, बहुत मजे की लगी। 80 रुपए का एक कप था और ऊटनी के दूध की चाय थी। यहाँ पे यहाँ पे बलोच है, ये खारों के अंदर मौजूद है, मतलब खारों के मेन रोड पे, और ये सामने चल रहा है रोड। तो अब हम जा रहे हैं, ये जो सामने कोस्टर है इसकी तरफ ही हम लोग की कोस्टर है, और ये जा रहे हैं चुम्मी चाचा, और अब हम बैठने वाले कोस्टर में और हम जाएंगे अपने ऑफिस की तरफ। हाँ जी गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस। ये देख सकते हैं यार बहुत ज़्यादा अंधेरा, खैर आप लोगों को कुछ नज़र आने वाला नहीं है। तो चक्कर वक्कर मुझे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 4 घंटे का सफ़र किया, वो भी हमने ट्रैफिक के अंदर। तो अब हम पहुंचे ऑफिस, यहाँ से मैं निकलूंगा अपने घर जाऊंगा, और मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। तो आप लोग यासिर अली ब्लॉग को यूट्यूब पे और फेसबुक पे जाके सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आप लोगों ने ब्लॉग बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, वो भी फ्री में। मेरे तो खैर पैसे लगे हैं, आप लोगों ने फ्री में एंजॉय किया। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू।